आज हम चालू करेंगे क्लास 9th का ज्यामिति। टॉपिक का नाम है ज्यामिति। ज्यामिति का कुछ हम बेसिक देखेंगे, क्लास 9th के लिए है। हम इसका कुछ बेसिक देखेंगे। बेसिक में रहेगा कोण क्या है, कोण के प्रकार, त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के प्रकार जानेंगे, फिर चतुर्भुज जानेंगे, फिर घन घनाभ ये सब जानेंगे। उसके बाद फिर हम आएंगे अपने चैप्टर पे। तो चलिए उसका हम बेसिक का सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कोण, है ना, यानी कोण किसे कहते हैं। चलिए कोण किसे कहते हैं देखते हैं। चलिए इसका लिखते हैं परिभाषा। कोण वह आकृति है, कोण वह आकृति है जिसमें दो से अधिक रेखाखंड एक बिंदु पर मिलती है या कटती है, कटती है तो उसके बीच जो झुकाव उत्पन्न होता है, झुकाव उत्पन्न होता है कौमा कौन कहलाता है। क्या कहलाता है, कौन कहलाता है। चलिए देखिए कह रहा है जब दो रेखाखंड एक बिंदु पर मिलती है, यानी एक बिंदु पर, एक इधर से और एक इधर से, तो इसके बीच जो झुकाव उत्पन्न हो रहा है ये मेरा एंगल है, यानी कोण। चलिए नंबर दो देखते हैं, मतलब अब देखेंगे कोण हो गया, अब देखेंगे कोण का प्रकार। चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए कोण के प्रकार चलेंगे, कोण के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एंगल्स। चलिए सबसे पहले चलेंगे न्यून कोण, एक्यूट एंगल, क्या न्यून कोण, है ना। तो इसका परिभाषा होता है ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा एवं 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। नंबर सेकंड है सम कोण, राइट एंगल, क्या है सम कोण, राइट एंगल, जिस कोण की माप 90 डिग्री के बराबर हो उसे सम कोण कहते हैं। नंबर तीन अधिक कोण, अधिक कोण अब्यूज एंगल, जिस कोण की माप 90 डिग्री से बड़ा एवं 180 डिग्री से छोटा हो उसे अधिक कोण कहते हैं। चलिए अब चलेंगे आगे, तीन हो गया, अब चलेंगे चौथा। नंबर चार समपूरक कोण, इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। चलिए समपूरक कोण किसे कहते हैं जो देखेंगे। ऐसा दो कोण जिसका योग 180 डिग्री के बराबर हो तो एक दूसरे को समपूरक कोण कहलाते हैं। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो तो समपूरक कहलाएंगे एक दूसरे के। चलिए पूरक कोण, इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो एक दूसरे को पूरक कोण कहलाते हैं, है ना। ये सब 9th क्लास का ज्यामिति का बेसिक है, है ना। इसके बाद हम चलेंगे ट्रायंगल पढ़ेंगे, तो उससे स्टार्ट मेरा मेन रूप से ज्यामिति होता है ना। ये सब क्या है, मेरा बेसिक है, जो बेसिक पर जान लेंगे उसके बाद हम लोग अपना सिलेबस पे आएंगे। चलिए अगला देखते हैं, नंबर छ। नंबर छ ऋजु कोण, इसका परिभाषा जानेंगे। वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री हो उसे क्या कहेंगे, ऋजु कोण कहेंगे। ये सब सिर्फ याद रखने योग्य चीज है ना, याद रखिएगा, है ना। आपसे छोटा भाई पूछ सकते हैं कभी भी, 6th 7th में पढ़ते हैं
वो लोग पूछेंगे तो इसे याद रखिएगा। चलिए नोट है फर्स्ट, एक बिंदु पर अधिकतम 360 डिग्री का कोण बनता है। देखिए कैसे है ना, एक बिंदु लेते हैं, एक बिंदु लेते हैं है ना, तो इसको अगर हम ऐसे करें तो ऊपर कितना डिग्री कोण बनता है 180 डिग्री का, और नीचे भी बनेगा 180 है ना, क्योंकि बिंदु है ना, तो इसको चारों तरफ बनेगा कोण, क्या बनेगा चारों तरफ। दूसरा है एक सरल रेखा पर अधिकतम 180 डिग्री का कोण बनता है ना, यानी एक सरल रेखा तो इस पे कितना बनेगा 180, यही है ना। चलिए आगे देखते हैं, चलिए नंबर सात। नंबर सात है संगत कोण, क्या है संगत कोण। संगत कोण जानने के लिए हमें इस फिगर से समझना होगा है ना कि संगत कोण क्या होता है। संगत का अर्थ होता है साथ साथ चलना, क्या होता है साथ साथ चलना। चलिए इसका कॉन्सेप्ट है ना, किसी एक रेखा को आप ऊपर रोके स्क्रॉल करेंगे, मतलब ऊपर रोके ले जाएंगे, देखिए कौन कौन लेकर जाएगा, तीन बढ़ेगा और एक बढ़ेगा, या चार और दो बढ़ेगा, यानी एक का संगत पांच होगा और दो का संगत छह होगा। उसी प्रकार जब इसको नीचे लाएंगे तो तीन का संगत सात होगा और चार का संगत आठ होगा। तो वही कोण एक बराबर कोण पांच, कोण दो बराबर कोण छह, कोण तीन बराबर कोण सात, और कोण चार बराबर कोण आठ। चलिए अब आगे देखते हैं, नंबर आठ एकांतर कोण। नंबर आठ एकांतर कोण, चलिए इसी फिगर से हम भी एकांतर कोण को जानेंगे है ना। सिर्फ ये सब कॉन्सेप्ट है नाइन्थ क्लास का बेसिक का, ये सब याद रखेंगे है ना इससे। चलिए एकांतर कोण है, एकांतर कोण कहने का मतलब होता है एक दूसरे का एकांतर, मतलब उल्टा यानी तिरछा है ना। चलिए देखिएगा तीन का उल्टा क्या है छह, कोण तीन का उल्टा यहाँ क्या है छह, और यहाँ चार का उल्टा पांच। वैसे एकांतर कोण दो प्रकार के होते हैं, एक बाह एकांतर एक अंतः एकांतर है ना। तो अंकह एकांतर यह है तीन का छह और चार का पांच, ये मेरा एकांतर है ठीक है ना। अब चलेंगे हम लोग सम्मुख कोण नंबर नौ। नंबर नौ सम्मुख कोण है ना, सम्मुख का अर्थ होता है ना, जिधर का मुख उधर होता है सम्मुख। देखिए इधर का भी इसका मुख है और इधर का भी, देखिए इधर का और इधर का, देखिए दोनों का मुख मतलब एक तरफ है ना, तीन का एक तरफ है, दो का भी, यानी एक दूसरे का सम्मुख है, यानी कोण दो बराबर कोण तीन। इसी प्रकार एक का चार की तरफ है, यानी कोण एक बराबर चार, उसमें कहा पांच का आठ और छह का सात है ना। चलिए कोण के प्रकार खत्म हो गया, अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज, क्या पढ़ेंगे ट्रायंगल। चलिए ये सब बेसिक चीज है, बेसिक चीज जरूर याद रखेंगे, मेन ट्रायंगल चलेंगे, उसके बाद हम